दोस्तों चलिए यहाँ पर बात करते हैं जीपीयू की। जी दोस्तों, आपने यहाँ पर सुना होगा दोस्तों, किसी स्मार्टफोन में, लैपटॉप में या फिर दोस्तों वो कंप्यूटर्स में आपने देखा होगा या फिर सुना होगा दोस्तों जीपीयू के बारे में। जी दोस्तों, अब जीपीयू का सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मतलब। यहाँ पर जीपीयू का मतलब होता है दोस्तों ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जी दोस्तों, अब यह जीपीयू किस तरह से काम करता है और यह क्यों जरूरत पड़ी दोस्तों, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखते रहे दोस्तों, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो आप देख रहे हैं टेक वृंदावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जीपीयू में आपको यहाँ पर, चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कंप्यूटर में। जी दोस्तों, अब कंप्यूटर में आपको दो टाइप का यहाँ पर जीपीयू मिल जाता है। पहला तो उनका होता है इनबिल्ट और दूसरा होता है डेडिकेटेड। जी दोस्तों, अब इनबिल्ट का मतलब जो कि आपका कंप्यूटर होता है, आपका सीपीयू होता है दोस्तों, उसके साथ में आपको यहाँ पर जीपीयू भी देखने के लिए मिल जाता है। जी दोस्तों, और यहाँ पर डेडिकेटेड की बात करें तो दोस्तों डेडिकेटेड में आपको एक अलग से यहाँ पर ग्राफिक कार्ड यहाँ पर खरीद करके लगाना होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर नॉर्मली बात करें इनबिल्ट जीपीयू की दोस्तों, तो इनबिल्ट जीपीयू आपके जो कि कंप्यूटर है दोस्तों, उतना लोड नहीं ले पाएगा, उतना काम अच्छे तरीके से ढंग से नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक ग्राफिक कार्ड लेना पड़ता है। जी दोस्तों, तो यदि आपने सुना होगा लैपटॉप खरीदते समय 1 GB का DDR, जी दोस्तों 1 GB का DDR 3 ग्राफिक कार्ड या फिर दोस्तों 2 GB का DDR 5 ग्राफिक कार्ड, कुछ इस तरह से इसका नाम सुना होगा दोस्तों। और यहाँ पर प्रॉपरली हम लोग यहाँ पर बता दें कि यदि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के स्पीड को यहाँ पर बूस्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको एक अलग से यहाँ पर ग्राफिक कार्ड लेना होगा दोस्तों। तब आपके जो कि एनिमेशन होता है या फिर दोस्तों किसी फोटो इमेज या फिर वीडियो का एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अलग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जी दोस्तों, चलिए बात करते हैं यहाँ पर मोबाइल फोन जीपीयू की। जी दोस्तों, आप मोबाइल फोन जीपीयू में आपको एक सिस्टम ही खड़ा मिलता है। जी दोस्तों, यहाँ पर एक सिस्टम ही पूरा मिलता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर होता है दोस्तों SoC का मतलब है सिस्टम ऑन चिप। जी दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो कि आपका यहाँ पर चिप है दोस्तों, अब इस चिप के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है जो एक नेचुरली यहाँ पर एक चिप होता है दोस्तों, एक वर्चुअली आपको यहाँ पर एक चिप मिलता है। इस चिप के अंदर आपको यहाँ पर GPU और GPS एंटीना या वाईफाई एंटीना, ब्लूटूथ यहाँ पर वाईफाई एंटीना या फिर दोस्तों आपका जो कि इमेज प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। DSP सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर GPU भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। जी दोस्तों, अब ये दोस्तों बहुत ही यहाँ पर नज़दीक और एक ही चिप में यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर यही रीजन है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा स्पीड इसमें देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर कम्युनिकेशन तो फास्ट होते ही है, लेकिन दोस्तों इसका आउटपुट भी जो कि रिफ्रेश रेट होता है, फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, यह सभी चीज़ भी आपको इसमें बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी। जी दोस्तों, और यहाँ पर यह कैसे काम करता है, तो सिंपली आपने देखा होगा कि जब आपने स्मार्टफोन को ऑन करते हैं तो दोस्तों वो जितने भी यहाँ पर ऐप्स होते हैं लोड होते हैं दोस्तों, और यहाँ पर लोड होने की वजह से दोस्तों अंडर डिस्प्ले जो कि यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही होती है दोस्तों, वो ऑपरेट होता है दोस्तों, जो कि आपका यहाँ पर CPU होता है। जी दोस्तों, आप CPU के द्वारा ऑपरेट होता है दोस्तों अंडर डिस्प्ले। लेकिन दोस्तों जो भी चीज़ आप अपने स्क्रीन पर देखते हैं, जैसे कि हो गया कोई मूवी या फिर गेम प्ले या फिर कोई एनिमेशन, जी दोस्तों इसमें दोस्तों जो कि CPU होता है उसमें थोड़ा सा उसका दोस्तों एक रोल होता है, लेकिन दोस्तों इन सभी में दोस्तों सबसे ज़्यादा रोल होता है हम लोगों का यहाँ पर GPU का। जी दोस्तों, CPU का तो थोड़ा सा रोल होता है, लेकिन GPU में आपको यहाँ पर सभी ग्राफिक्स यूनिट, एनिमेशन, नोटिफिकेशन बार, मैसेज या फिर दोस्तों जितने भी यहाँ पर काम होते हैं या फिर वर्क होते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर, यह सभी चीज़ दोस्तों GPU की मदद से हो पाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, आपने सुना होगा कि जो कि मोबाइल फोन मार्केट होता है दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारे GPU के कंपनी मिल जाते हैं, जैसे कि हो गया पावर VR, एटेनो, माली। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं माली के बारे में। जी दोस्तों, पहले हमने एक वीडियो में बताया था दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, प्रोसेसर में हमने बताया था दोस्तों माली के बारे में। जी दोस्तों, अब यहाँ पर माली यहाँ पर एक कंपनी है दोस्तों, और इसके द्वारा ऑपरेट होता है दोस्तों, और जितने भी यहाँ पर माली का GPU बनाया जाता है दोस्तों, यह सभी यहाँ पर बनता है दोस्तों, जो कि आर्किटेक्चर डिजाइन है दोस्तों वह आर्म के द्वारा, आर्म कंपनी वह सभी कंपनी को यहाँ पर लाइसेंस देता है, अपना आर्किटेक्चर यहाँ पर बताता है दोस्तों, शेयर करता है सभी के साथ कंपनी दोस्तों, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो गया मीडिया टेक या फिर सैमसंग का एक जीनो हो गया दोस्तों, उसमें भी आपको यहाँ पर माली का GPU देखने के लिए मिल जाएगा। जी GPU में भी आपको अलग अलग तरह के अलग अलग GPU मिल जाएंगे। जी दोस्तों, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के GPU मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसमें भी आपको यहाँ पर मेमोरी, डेडिकेटेड मेमोरी होता है दोस्तों, यहाँ पर GPU में भी आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कोर मिलेंगे, फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, डेडिकेटेड मेमोरी मिलेंगी। और दोस्तों डेडिकेटेड मेमोरी का मतलब ये कितने GB तक या फिर कितने MB तक यहाँ पर यह मेमोरी को यहाँ पर कैपेसिटी है इनका दोस्तों, इतना मेमोरी तक आप ग्राफिक्स को यहाँ पर दिखा सकते हैं दोस्तों। सो यह तीनों चीज़ मिलकर के दोस्तों एक किसी भी यहाँ पर GPU को यहाँ पर अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा बनाते हैं। यहाँ तो कंपेरिजन के द्वारा आप इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर कंपेरिजन ले सकते हैं दोस्तों। हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पर पावर VR की। जी दोस्तों, पावर VR भी एक कंपनी है जो
कि हम लोगों का जीपीयू डिजाइन करती है, उसके आर्किटेक्चर बनाती है दोस्तों, और या दूसरे कंपनी को यहाँ पर लाइसेंस करती है, जैसे कि हो गया मीडिया टेक, सैमसंग, एप्पल, या फिर दोस्तों अदर जितने भी यहाँ पर कंपनी हो गए दोस्तों, जो कि यहाँ पर सीपीयू को यहाँ पर जो कि एक चिपसेट बनाते हैं दोस्तों, उसमें जीपीयू को यूज करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं जो कि हम लोग का एड्रीनो है दोस्तों। अब एड्रीनो जो कि हम लोग का है, यह सिर्फ और सिर्फ क्वालकॉम के प्रोसेसर में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह क्वालकॉम का खुद का यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, वह खुद ही इसे बनाता है और खुद ही यूज करता है दोस्तों, और किसी कंपनी के साथ यहाँ पर अपना आर्किटेक्चर डिजाइन शेयर नहीं करना चाहता है या फिर करता नहीं है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर यह सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर क्वालकॉम के प्रोसेसर में देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। एड्रीनो में भी आपको इसमें बहुत सारे टाइप मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एड्रीनो 205 से लेकर के दोस्तों आपको इसमें मिल जाएंगे यहाँ पर 685 तक। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो इतना ही हम लोगों का देखने को मिला, और लेटेस्ट प्रोसेसर जो कि हम लोगों का यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 888, तो दोस्तों उसमें भी आपको एड्रीनो 680 मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों इससे भी लेटेस्ट प्रोसेसर क्वालकॉम की तरफ से आने वाले समय में आपको देखने को लिए मिला। अभी तक तो हम लोगों यहाँ पर बात की है दोस्तों जीपीयू क्या होता है, किस तरह से काम करता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है दोस्तों, तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कंपनी जो कि लाइसेंस करते हैं किस तरह से यहाँ पर शेयर करती है दोस्तों। यह सभी कंपनी एक वर्चुअली चिप्स को यहाँ पर बना करके शेयर नहीं करती, वह सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर जो कि उसकी बनावट होती है दोस्तों, वह सिर्फ और सिर्फ शेयर करती है दोस्तों। पर मान लीजिए कुछ ऐसा ही है, मान लीजिए एक आर्म कंपनी है दोस्तों जो कि मान लीजिए जीपीयू बनाती है, और उन्होंने दोस्तों यहाँ पर सेल किया अपने जो कि प्रोसेसर जो कि मान लीजिए जीपीयू उस सैमसंग को सेल किया दोस्तों। अब सैमसंग सिर्फ और सिर्फ जो कि उसका सैमसंग खुद का दोस्तों और जीपीयू बनाएगा दोस्तों, बेस ऑन जो कि आर्म मान लीजिए जीपीयू है दोस्तों, उसके आर्किटेक्चर डिजाइन पर खुद के एड्रीनो प्रोसेसर में यहाँ पर मान लीजिए जीपीयू को लगाएगा दोस्तों, और खुद का एक चिपसेट यहाँ पर तैयार कर लेगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर यह जीपीयू दोस्तों सेल होती है और काम करती है दोस्तों, और यहाँ पर डिजाइन की जाती है। इसी तरह से और भी कंपनी यहाँ पर करती है, जैसे कि मीडिया टेक हो गया, या फिर जितने भी कंपनी यहाँ पर लाइसेंस लेती है आर्किटेक्चर डिजाइन की, तो कुछ प्रोसेसर में आपने देखा होगा कि जो कि खुद का प्रोसेसर यहाँ पर डिजाइन करते हैं, खुद का चिपसेट बनाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो कि आपका सीपीयू होता है जीपीयू होता है सेम पावर का होता है। लेकिन दोस्तों मीडिया टेक में ऐसा नहीं होता, मीडिया टेक में आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो कि यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ही हाई मिलती है दोस्तों, उसका रिफ्रेश रेट बहुत ही हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मीडिया टेक दोस्तों यहाँ पर अलग से एक जीपीयू जो कि आर्म कंपनी माली दोस्तों माली जीपीयू यहाँ पर खरीद करके यहाँ पर अपने प्रोसेसर में जो कि यहाँ पर उसका सीपीयू होता है दोस्तों, आम कंपनी तो यहाँ पर सीपीयू के हिसाब से उसमें जीपीयू को यहाँ पर उतने ही पावर को यहाँ पर डालते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मीडिया टेक में आपको यहाँ पर जो कि सीपीयू होता है दोस्तों, वो सीपीयू से थोड़ा सा अधिक पावर का यहाँ पर जीपीयू लगाया जाता है, जिससे कि आपको यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस या फिर दोस्तों किसी आपको वीडियो को देख रहे हैं या फिर दोस्तों उसका जो कि डिस्प्ले होता है दोस्तों, ओवरऑल आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पर जो कि हम लोग का यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन है कैपेबिलिटी है उसके बारे में दोस्तों। आपने देखा होगा कि आपके फोन में दोस्तों किसी फोन में या फिर सीपीयू और जीपीयू या दोस्तों दोनों यहाँ पर गुड क्वालिटी के हैं, बहुत ही हाई पावर के प्रोसेसर या सीपीयू जीपीयू लगे हैं दोस्तों, लेकिन उसमें आपको अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो कि ऑप्टिमाइजेशन होता है दोस्तों, वह ढंग से नहीं हुआ या फिर ठीक तरीके से ऑप्टिमाइज करके नहीं बनाया गया जो कि आपका सॉफ्टवेयर होता है उसको, तो इसीलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती है। 4 साल 5 साल पहले आपने देखा हुआ कि जो कि यहाँ पर एड्रीनो था दोस्तों, वह बहुत ही पॉपुलर हो चुका था, और दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर जो कि वीआर था दोस्तों, वो भी थोड़ा थोड़ा पॉपुलर हुआ था, लेकिन दोस्तों जो कि माली था या फिर दोस्तों स्मॉल चिपसेट थे उसको इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों आजकल ऐसा नहीं होता, जैसे यहाँ पर आजकल के प्रोसेसर में दोस्तों जैसे यहाँ पर न्यू गेम लॉन्च होता है दोस्तों, उसके हिसाब से प्रोसेसर के हिसाब से सभी प्रोसेसर के हिसाब से यहाँ पर ऑप्टिमाइज जो कि कंपनी होती है दोस्तों गेम लॉन्च करने वाली प्रोसेसर को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ऑप्टिमाइज करती है दोस्तों, ताकि कोई भी यहाँ पर स्मार्टफोन हो दोस्तों सभी में आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिले। और जीपीयू आपके फुल एक्टिविटीज शो करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एनिमेशन गेम प्ले या फिर दोस्तों वीडियो प्ले, यह सभी चीज आपको यहाँ पर जीपीयू के द्वारा देखने के लिए मिलती है। चीज आपको जीपीयू के द्वारा भी अपडेट होता है या फिर दोस्तों आपके जो कि डिस्प्ले होता है उस पर भी डिपेंड करता है, डिस्प्ले के कैपेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए आप उसको कितना पिक्सल पर आप उसको यूज करें, जैसे 720p या फिर दोस्तों 1080p या फिर दोस्तों क्वाड HD, तो दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर भी यहाँ पर डिपेंड करता है किस तरह से यह काम करेगा, किस तरह से इसका परफॉर्मेंस रहेगा दोस्तों। मान लीजिए आपका यहाँ पर जीपीयू दोस्तों उसकी पावर है दोस्तों 1080p, और दोस्तों आप गेम प्ले कर रहे हैं 1080p पर, इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप उस जीपीयू का फुल पावर यूज करें। ऐसा यूज करने से क्या होगा कि जो कि आपका जीपीयू होता है दोस्तों वह कुछ देरी तक तो वह काम करेगा, लेकिन दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर पांची तरह से यहाँ पर दिखा देगा जी दोस्तों, कुछ यहाँ पर धुंधला टाइप यहाँ पर आपका स्क्रीन दिखाई देगा। और यदि मान लीजिए आप उस गेम प्ले में दोस्तों थोड़ा सा स्मूथ आप कर देते हैं दोस्तों 1080p की बजाय 720p कर देते हैं दोस्तों, तो उसमें लॉन्ग टाइम तक आपको स्मूथ चलेगा जी। तो यह डिपेंड करता है आप पर जी दोस्तों, आप किस तरह से अपने जीपीयू को यूज करते हैं और किस तरह से आप दोस्तों यहाँ पर मैनेज करते हैं जीपीयू और यहाँ पर डिस्प्ले के बीच में जी दोस्तों पावर कंजप्शन को किस तरह से आप इसमें मैनेज करते हैं, किस तरह से आप यहाँ पर देखना चाहते हैं दोस्तों, यह डिपेंड करता है आप पर जी दोस्तों। दोस्तों हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और इसको देखने के बाद आप जान गए दोस्तों जीपीयू क्या है, किस तरह से काम करता है यहाँ पर, किस तरह से एनिमेशन दिखाता है दोस्तों, और क्या प्ले रोल है, किस तरह से सभी कंपनियां पर अलग अलग जीपीयू बनाती हैं,
किस तरह से यहाँ पर सेल होता है दोस्तों, इन सभी के बारे में आप जान गए होंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसी तरह से और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई सवाल या सुझाव तो दोस्तों नीचे कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।